हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 2019 में अपना एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के साथ। तो गाइस, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट ए फ्री वेबसाइट। और तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वीडियो मैंने एक साल पहले बनाई थी और उस वीडियो को 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और वो वीडियो काफी सारे लोगों को पसंद आई है। आप यहाँ पर लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो देखकर आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। तो गाइस, उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आप कैसे अपना एक फ्री का वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस, अब उस वीडियो पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो इसलिए गाइस, अब मैं आपको एक फ्रेश न्यू मेथड बता रहा हूँ जिससे आप 2019 में अपना एक फ्री वेबसाइट बना सकते हो। अगर गाइस, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो गाइस, अगर आप एक अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने डोमेन के साथ, अपने होस्टिंग के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री, तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में अच्छे से यही बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। गाइस, वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल होता है गाइस, और मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में भी बताऊंगा। तो आपको आ जाना है गूगल पर, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री नॉम। और जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो freenom.com, आपको इस वाले लिंक पर चले जाना है। तो फ्रीनॉम एक वेबसाइट है जो फ्री डोमेन्स प्रोवाइड करता है, और इस पर आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो फाइंड ए न्यू फ्री डोमेन। आपको यहाँ पर से अपना डोमेन चूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, stay smart 321। उसके बाद यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी अवेलेबल डोमेन्स है वो आ जाते हैं। गाइस, फ्री डोमेन्स में आपको .com, .net, .us ऐसे डोमेन्स नहीं मिलेंगे, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होगा। तो हमें फ्री का चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे फ्री है। तो गाइस, आप TK मत सेलेक्ट करना, क्योंकि TK बहुत जगह बैन हो चुका है। अब TK अगर आप लोगे तो होस्टिंग प्रोवाइडर्स या फिर एडसेंस अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है, समझ लीजिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर GACF आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करूँगा .ga, और यहाँ पर गेट इट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। और आप जैसे ही गेट इट नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलेक्टेड हो गया है। यहाँ पर से आपको चेकआउट पर क्लिक करना है, और चेकआउट पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देखिए प्रीएड, तो आपको यहाँ पर से अपना डोमेन का पीरियड सेलेक्ट करना है, मतलब कब तक आपको ये डोमेन चाहिए। तो मैं यहाँ पर से 12 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको साइन इन करने को बोल रहा है, तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ करके भी साइन इन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने ईमेल आईडी से भी। तो मैं यहाँ पर से साइन इन करूँगा जीमेल का यूज़ करते हुए। तो आप जैसे ही साइन इन करते हो तो आप कभी कभी फ्री नॉम के होम पेज पर आ जाते हो, तो आपको फिर से सर्विस पर क्लिक करना है और फिर रजिस्टर ए न्यू डोमेन। उसके बाद आपको आपका डोमेन नेम फिर से रजिस्टर करना होगा। ये एक छोटा सा ग्लिच है, शायद कभी कभी होता है। तो चलिए फिर से यहाँ पर मैं अपना डोमेन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, stay smart 321। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर दीजिए, और आप जैसे ही अवेलेबिलिटी पे चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्टेड, तो आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। और चेकआउट पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर आपने ये जो सेलेक्ट किया था 12 मंथ वो भी यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड है, तो उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। और कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म करना है, तो आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए, और फिल कर देने के बाद यहाँ पर टिक करके कंप्लीट ऑर्डर कर दीजिए। तो आपके सामने कुछ एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर दीजिए, और कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज पर क्लिक करना है, और फिर माय डोमेन्स, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपने जो सेलेक्ट किया था डोमेन यहाँ पर आपको अवेलेबल नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज डोमेन पर क्लिक करना है, और मैनेज डोमेन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस पेज को ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको गूगल पर आना है, और गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री, और इस वाले लिंक पर आपको चले जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब आप आ गए हो इन्फिनिटी फ्री के वेबसाइट पर। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करती है,
और भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स है फ्री में, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी फ्री का जो है वो बैंडविड्थ अनलिमिटेड होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिए साइन अप नाउ पर क्लिक करके आप अपना एक अकाउंट यहाँ पर बना लीजिए। तो जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी देकर यहाँ पर रजिस्टर करते हो तो आपके जीमेल पर एक इनका मेल चला जाता है। तो आपको जाना है अपने जीमेल पर और जाकर उस मेल को कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आप सीधा आ जाते हो इन्फिनिटी फ्री के वेबसाइट पर। कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने होगा, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, तो ये आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा और यहाँ पर होगा न्यू अकाउंट, तो आपको न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है, और न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंटर योर ओन डोमेन, तो आपको यहाँ पर से अपना डोमेन एंटर करना है जो कि आपने अभी अभी फ्री नॉम पे रजिस्टर किया था। तो मैं यहाँ पर से अपना डोमेन जो है वो एंटर कर देता हूँ stasmart321.ga, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो द डोमेन नीड्स टू पॉइंट टू द नेम सर्वर, यानी कि ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी फ्री के जो नेम सर्वर्स है वो नेम सर्वर्स आपको अपने डोमेन में लगाने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर से आपको कॉपी कर लेना है नेम सर्वर्स को, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप चले जाइए फ्री नॉम पर, जहाँ पर आपने फ्री नॉम वाले वेबसाइट को छोड़ा था वहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैनेज टूल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेम सर्वर्स पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज डिफॉल्ट नेम सर्वर्स, तो नहीं, कस्टम पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और फिर सेकंड नेम सर्वर में भी आपको उसे पेस्ट करना है। और याद रहे सेकंड नेम सर्वर में ये जो NS का 1 है आपको इसे रिमूव करके यहाँ पर आपको 2 लगाना है। उसके बाद सेव नेम सॉरी चेंज नेम सर्वर्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपके नेम सर्वर्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, आपको एक बार फिर से मैनेज टूल पर क्लिक करके नेम सर्वर पर क्लिक करके आपको देखना है कि चेंज हुए हैं या नहीं। तो ये सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं। तो अब आपको आना है इन्फिनिटी फ्री के वेबसाइट पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक कर देने के बाद कैप्चा अगर आए तो फिल कर दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊँ, कभी कभी क्या होता है आपके सामने एक एरर मैसेज आता है क्योंकि आपने अभी अभी नेम सर्वर्स चेंज किए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपडेट होने में। तो आपको आप घबराइए नहीं कि नहीं हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आया है आपके सामने, यानी कि ये बोल रहा है कि आपके नेम सर्विस चेंज नहीं हुए हैं यहाँ पर आप, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वेट ए फ्यू और, यानी कि थोड़ा सा वेट करने को ये बोल रहा है। तो चलिए फिर से मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक किया मैंने, और आप यहां पर देख सकते हो अब यहां पर ये सक्सेसफुल हो चुका है, वी आर सेटिंग अप। तो इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर से आप जा सकते हो अपने कंट्रोल पैनल पर, यहां पर से आप अपना क्लाइंट एरिया व्यू भी कर सकते हो। तो यहां पर से आपको चले जाना है ओपन कंट्रोल पैनल पर, और कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद यहाँ पर एक कुछ इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, और यह मैसेज फुल्ली नॉर्मल है, तो आपको यहाँ पर आई अप्रूव पर क्लिक कर देना है। तो ये रहा आपका कंट्रोल पैनल, आप आ गए हो अपने कंट्रोल पैनल पर। तो यहाँ पर से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमें इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मतलब आप अपने वेबसाइट पर क्या इंस्टॉल करोगे। तो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्डप्रेस, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल पर। तो आप जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक करते हो तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है आपके सामने, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चूज प्रोटोकॉल, अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर HTTPS को सेलेक्ट कीजिए, वरना HTTP रहने दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये तो आपका डोमेन है, उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो WP, आपको इसे रिमूव कर देना है। और रिमूव कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो साइट नेम, तो आप यहाँ पर से अपना साइट नेम दे दीजिए जो भी होगा।
तो और यहाँ पर आप देख सकते हो साइट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर से आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप अपने साइट की दे सकते हो। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो एडमिन अकाउंट, तो आपको यहां पर से अपना एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड सेट करना है। जब आप अपने साइट में लॉगिन करोगे तब आपको ये जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रहे भूल ना जाओ। सेट कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ थीम्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो कोई भी थीम को सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर से इस थीम को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है, 1 मिनट से कम का समय लेगा और आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो यहां पर आपको आपके वेबसाइट का जो है डोमेन नजर आ रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करके अपने वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो आप यहां पर देख सकते हो ये रहा आपका वेबसाइट, जो कि एक डिफॉल्ट वेबसाइट, सिंपल सा वेबसाइट आपका बनकर रेडी हो चुका है गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, यानी कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में। तो जब भी आपको अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में आना है तो आपको अपने डोमेन के आगे /wp-admin लगा के एंटर कर देना है। तो गाइस देखिए आप आ गए हो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो देखा गाइस कितना सिंपल होता है वेबसाइट बनाना। अब आपका एक कंप्लीट न्यू वेबसाइट बनकर रेडी हो चुका है, आपका एक सिंपल सा वेबसाइट बनकर रेडी हो चुका है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि आप कैसे अपना एक फ्री का वेबसाइट बना सकते हो फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के साथ। गाइस आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस वेबसाइट को आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, आपको किस तरह से इस पर पोस्ट लिखना है, कैसे आपको इसे SEO करना है, और आपको कैसे एडसेंस से अप्रूवल कराना है, कैसे अर्निंग करनी है, सारी वो चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो गाइस आप इस वीडियो को देखकर सीख गए हो कि कैसे आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन गाइस इसके आगे अगर आपको नहीं आता तो गाइस आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस सिंपल वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो, कैसे आपको अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, कैसे आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो कि एक वेबसाइट में होती है, कैसे आपको पोस्ट लिखने हैं, कैसे रैंक कराना है, कैसे SEO करना है, कैसे अर्निंग करना है आपको एक फ्री वेबसाइट से, वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें वो जानने के लिए, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।